For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. तो अक्षय के फैंस को जिस घड़ी का वेट था वो आ गई, यानी गुड न्यूज का ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर मैंने देखा, बहुत ही धमाकेदार ट्रेलर है, हंसी बहुत ज्यादा है, आप लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन पब्लिक को ये ट्रेलर कैसा लगा, आइए उनसे पूछते हैं। अक्षय कुमार के सबसे बड़े फैंस, आपको ट्रेलर कैसा लगा? यस, बहुत बहुत मस्त है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कुछ फर्स्ट टाइम यूनिक ट्राई है अभी, होप सो मतलब ये तो ट्रेलर तो ऑलरेडी मस्त है। ओवरऑल तो रिस्पांस भी हम लोग ने देख लिया, मतलब तो जितने भी मीडिया वाले बैठे थे या हम लोग जैसे फैंस बैठे थे, सब लोग को बहुत पसंद आया ट्रेलर, एंड वी ऑल्सो लाइक इट तो वेरी मच। आपको कैसा लगा? बहुत मस्त, मतलब नया ही कॉन्सेप्ट है और ये अक्षय सर के ये साल की लास्ट मूवी होगी तो अमेजिंग। मतलब पता नहीं अभी कितना है, ये ऑलरेडी 200 करोड़ तो कमाई लिए हाउसफुल 4 ने, ये और कमाएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि कॉमेडी इसका अलग ही कॉन्सेप्ट है। आपको कैसे? बहुत ही बढ़िया लगा, और ट्रेलर देख के यही लग रहा है कि मूवी बहुत अच्छी होने वाली है। कॉमेडी है, सोशल सिचुएशनल कॉमेडी है, तो सर काफ़ी दिन बात कर रहे हैं तो बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही। आज में से आप कितने स्टार्स देना चाहेंगे ट्रेलर के लिए? या डेफिनेटली 4.5। एक होप सर से अगर तो कुछ हो तो सॉन्ग्स भी एकदम बहुत मस्त हो। एक तो पंजाबी सॉन्ग देख लिया जो वो रीमेक वाला है। आप कितने? 5 out of 5। आप? नहीं, अक्षय सर के लिए हरदम 5 में से 5। कैसा लगा ट्रेलर आप दोनों को? ट्रेलर वॉज लिटरली किलिंग, धमाकेदार, नो वर्ड्स टू से, लाइक कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि कैसे हम फील कर रहे हैं अभी ट्रेलर देख के, एंड अक्षय सर को लाइव देख के एंड पूरी स्टार कास्ट को देख के एक्साइटमेंट लेवल इज हाई। आपको? ट्रेलर तो बहुत बढ़िया लगा मुझे, और कॉमेडी में अक्षय कुमार कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता। अक्षय कुमार जो है कॉमेडी के किंग है, और ऑलरेडी इस पिक्चर में बहुत सारी कॉमेडी, मतलब कॉमेडी जॉनर का बहुत भरा हुआ है, तो ये पिक्चर ब्लॉकबस्टर होने वाली है। कॉमेडी का दूसरा नाम अक्षय कुमार। कितने देंगे 5 में से स्टार्स? कितने देंगे? 5 में से 10। 5 में 10। अक्षय सर एक्चुअली कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बोल मतलब एक सेंसिटिव है थोड़ा, शायद मे बी सोशल ऐसे सोसाइटी में होते हैं जो बाहर नहीं आते, छुपके होते हैं, ऐसे ऐसा कंटेंट है, बट आई थिंक थोड़ा एग्जीक्यूशन फनी है और मे बी वो फैमिलीज को पसंद आना चाहिए। थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगा एक एग्जीक्यूशन में, बट लेट्स से अगर उन लोगों के पास कंटेंट है और वो डिलीवर करते हैं तो ऑब्वियसली गुड न्यूज़ डिलीवर हो जाएगी क्रिसमस के लिए। ये चारों की जोड़ी आपको कैसी लगी, पहली बार स्क्रीन पे दिख रहे हैं? एक्चुअली कियारा और दिलजीत का मतलब जोड़ी शूट कर रही है, बिकॉज वो था पंजाबी ना, तो वहाँ पे शूट हो रहा है और उनका उनका रोल भी पंजाबी आ रहा है। अक्षय कुमार और करीना तो वैसे भी वर्सेटाइल है, वो कोई भी रोल में शूट हो जाते हैं, और करीना को ऐसे रोल में देखने के लिए मैं मतलब कब से वेट ही कर रहा था, और अभी अच्छा मिला है। अक्षय कुमार तो रनिंग रेट है, वो मतलब कोई भी कैरेक्टर में हर 2 महीने बाद आ ही रहे हैं, तो उनको देख के तो हमेशा अच्छा ही लगता है। एक्चुअली क्लैश नहीं है, दबंग 20 दिसंबर को है और ये 27 दिसंबर को है। जब तक ये आएगी तब तक दबंग का बहुत सा बिजनेस हो चुका होगा, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो एक फ्रंट लोडेड फिल्म है जो वीकेंड पे धमाका करके चली जाएगी और ये सेकंड वीक में, बिकॉज लास्ट ईयर भी हम लोग ने देखा था जीरो और सिम्बा का ऐसे ही क्लैश हुआ था, और ये डेट करण जौहर के लिए बहुत लकी है। ऐसे अगर देखने जाए उनकी सिम्बा भी 27 दिसंबर को रिलीज हुई थी और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी, तो आई एम होपिंग कि वो शायद उनका लक अभी भी काम कर रहे हैं। 3। सर ट्रेलर कैसा लगा आपको? ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, एक नंबर। पेयरिंग के बारे में क्या कहेंगे, अक्षय बेबो और दलजीत और कियारा कैसे लग रहे हैं एक साथ? सब एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं, सबकी एक्टिंग भी एक नंबर है, बहुत अच्छी कमाल की एक्टिंग है। कॉमेडी की बात करें तो ट्रेलर में जितनी भी कॉमेडी दिखी है, आपको लग रहा है ये फैमिली फिल्म होगी? फैमिली फिल्म है, पूरा फैमिली फिल्म है, और दलजीत की कॉमेडी तो वैसे भी बहुत अच्छी है। अक्षय और बेबो की जोड़ी के कमबैक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में तो अभी कुछ नहीं, वो दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है उसमें भी, उस पिक्चर में तो जोड़ी बहुत अच्छी है, दोनों ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। दबंग 3 जो है वो गुड न्यूज़ के साथ रिलीज हो रही है, तो आपको लगता है बहुत बड़ा क्लैश होगा अक्षय और सलमान का? हाँ होगा। 5 में से कितने स्टार्स देंगे? 5 स्टार्स। आप कौन सी मूवी देखने जाएंगे, दबंग 3 या फिर गुड न्यूज़? फिलहाल तो ये ट्रेलर देखा है तो पहले ये गुड न्यूज़ देखूंगा, फिर अगले दिन दबंग 3 भी देख लूंगा। गुड न्यूज़ का ट्रेलर कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा था मूवी, मतलब ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा है और अक्षय कुमार तो ऑब्वियसली रहेगा ही। ये चारों स्क्रीन पे कैसे लग रहे हैं आपको, जोड़ी कैसी लग रही है? बहुत ही अच्छा, और करीना तो काफ़ी टाइम के बाद आ रही है तो देखते हैं कैसा रहता है। कॉमेडी कैसी लगी आपको ट्रेलर? बहुत ही कॉमेडी भी है, ड्रामे भी है, ऐसा देखने को मिला तो बहुत एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए। 5 में से कितने स्टार्स देंगे ट्रेलर? 5 to 5 अक्षय के लिए। एज यू कैन सी फैंस को ट्रेलर बहुत पसंद आया है, पब्लिक को ट्रेलर बहुत पसंद आया है, लेकिन आपको ट्रेलर कितना पसंद आया है हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मूवीज अड्डा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।